अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं अबील और आप देख रहे हैं शो मलेशियन पाम ऑयल जायकों का दस्तरखान। और ये शो आप तक पहुंचाने के लिए हमारे साथ तआवुन किया है मलेशियन पाम ऑयल काउंसिल ने। मलेशियन पाम ऑयल हमारे कुकिंग ऑयल और वनस्पति का बुनियादी जज है। ये बेशुमार खूबियों का हामिल है। ये ना सिर्फ कि हमारी रवायती कुकिंग बल्कि कन्फेक्शनरी, स्नैक फूड, फास्ट फूड, बेकिंग, आइसक्रीम और दीगर सनतों में बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया जाता है मलेशियन पाम ऑयल। और जी, यहाँ पर हम आपको एक के बाद एक रेसिपी मज़ेदार सिखाते जा रहे हैं। नाम शो के आप लोग भी बहुत खुश होंगे। ये जायकों का दस्तरखान, जायके से भरपूर तमाम रेसिपीज़ होती हैं। आज के शो पर क्या हैं वो पूछते हैं आपा से और जानेंगे, वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम आपा, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बहुत शुक्र। आप लोग कैसे हैं सब? अस्सलाम वालेकुम। आज क्या बनेगा? आज आप बताएं क्या बनेगा। वैसे तो आज हम बना रहे हैं हरियाली दाल। ओके, बहुत मज़े की दाल होती है, बहुत ही मज़े की, ठीक है। और इसको भी आप वाइट चावल के साथ खाएं, रोटी के साथ खाएं, अपनी मर्जी है। और दूसरी रेसिपी जो यहाँ चने पड़े हुए हैं उससे मैं बना रही हूँ फलाफेल। फलाफेल, वाह जबरदस्त। इसको हम डीप फ्राई करेंगे ऑफकोर्स ऑयल में, जिसका मेन इन्ग्रीडियंट है मलेशियन पाम ऑयल। और ये जो हरियाली दाल है इसका हम लास्ट में इसका तड़का लगाएंगे या बघार देंगे वनस्पति के साथ, उसका भी मेन इंग्रेडिएंट मलेशियन पाम ऑयल है, ठीक है। तो क्या रीज़न है क्यों आप वही कुकिंग ऑयल एंड वनस्पति का इस्तेमाल करते हैं? अबील, इसमें कुदरती तौर पर विटामिन ई शामिल है, कोलेस्ट्रॉल से पाक है, बहुत सारी बीमारियों से ये सेफ रखता है, एंटी ऑक्सीडेंट है इस वजह से। और उसके अलावा सिर्फ मैं ही नहीं, दुनिया के बहुत सारे शेफ्स भी ऐसी कुकिंग वनस्पति और कुकिंग ऑयल को यूज़ करते हैं, जिसका मेन इंग्रेडिएंट होता है मलेशियन पाम ऑयल। बहुत हेल्दी है, हर तरह की आप इसमें कुकिंग कर सकते हैं, शैलो फ्राइंग, डीप फ्राइंग, कुकिंग, ग्रिलिंग, बेकिंग, एवरीथिंग एंड ईच एंड एवरीथिंग यू कैन डू। ठीक है, तो हम पहले चलते हैं अपनी दाल की तरफ, हरियाली दाल। यहाँ पे मेरे पास मूंग की दाल रखी हुई है एक पाव, ठीक है। ये एक पाव दाल है, इसको मैंने 4 कप पानी के साथ एक पतीली में डाल के आधा चाय का चम्मच हल्दी के साथ इसको बॉईल कर लिया है। अब ये बॉईल दाल, आप समझे, आपके पास वही पतीली है जिसमें आपने इसको बॉईल किया था बेटा पानी, ठीक है, समझ आ गई ना। मूंग की दाल एक पाव, जिसमें हमने आधा टीस्पून हल्दी डाली, 4 कप पानी डाला और उसको हमने कर दिया बॉईल। अब इसमें बाकी की चीज़ें जाएंगी और इसको हम पकाएंगे अच्छा खासा, कम से कम 15 से 20 मिनट, ताकि ये सारी चीज़ें उसमें एक जान हो जाएं। और फिर इसका हम देंगे बघार। हरियाली दाल इसका नाम इसलिए है कि इसमें छोटी मेथी जा रही है, इसमें सोया जा रहा है, इसमें पालक जा रही है, इसमें हम हरी मिर्चें पिसी हुई डालेंगे और इसमें हम डालेंगे ये हरा धनिया थोड़ा सा, ठीक है, इसलिए इसका नाम हरियाली दाल। ये तमाम सब्जियां अभी नहीं जाएंगी? अभी डाल रही, अभी आप समझे, ये दाल गल गई है, ठीक है। आपने 4 कप पानी में एक पाव मूंग की दाल को गला लिया है, ठीक है, ये दाल हमारी गल चुकी है और ये तमाम है। अब इसमें हम ये सारी चीज़ें डालेंगे। लेकिन थोड़ा सा गर्म हो जाए क्योंकि ये पहले से बॉईल करके आपने रखी थी, ठीक है। आपको तो गर्म और ठंडे की कोई मसला ही नहीं है, आपकी तो दाल गल जाएगी थोड़ा सा इस तरह का, समझे, 2 कप में दाल गल गई और 2 कप जितना आपका पानी रह गया, तो आप इसमें सब्जियाँ डाल दें। मैं अभी हरी मिर्च डाल रही हूँ, इसमें पिसी भी क्रश्ड कुटी भी डाल दें या पिसी भी डाल दीजिए 1 टीस्पून। ठीक है, आप हरी मिर्चों को भी पेस्ट बना के रख सकते हैं, काला हो जाते हैं बेटा। अच्छा, बात तो फ्रेश ही बनाना, हाँ बेहतर है, रख तो बहुत सारी चीजों में यूज हो रहा होता है, रख तो सकते हैं, लेकिन आई डोंट नो, मुझे ऐसा लगता है काला काला लगता है और फिर वो फ्रेशनेस भी नहीं रहती, नहीं रहती। हाँ ठीक है, ये डाल दी। अब हम इसमें डालेंगे सोया, 2 टेबलस्पून 3 टेबलस्पून सोया, 2 छोटी गड्ढी मेथी की, मैं मेथी को चॉप नहीं करती हूँ, मैं ऐसे ही डालती हूँ, चॉप करने से आई डोंट नो आई फील कि वो कड़वी हो जाती है, ठीक है। ओह अच्छा अच्छा, अब मैं इसमें डालूँगी पालक 1.5 कप, ठीक है, ये हो गया पालक, मेथी, सोया,
बस इसको अब पकाना है। हाँ अब इसको हम पकाएंगे। वैसे हरियाली दाल है नाम से आपको अच्छी लग रही होगी, एक येलो कलर एंड देन सारी ग्रीन वेजिटेबल्स जिसका एक अच्छा सा फ्रेश कलर एंड टेस्ट आम श्योर मज़े का होगा। मेथी और सोया वैसे ही बहुत स्ट्रॉन्ग फ्लेवर के होते हैं। अच्छा बेटा मुझे नमक चाहिए, नमक भी जा रहा है इसमें एक चाय का चम्मच भर के, और इसमें मैं 2 टेबलस्पून वनस्पति अभी डालूंगी और बाकी फिर मैं तड़के में डालूंगी। अभी जा रहा है वनस्पति जिसका मेन इंग्रेडिएंट है मलेशियन पाम ऑयल। ठीक है तो अच्छे से स्टर करें। अब तो ये पकना शुरू हो गई है, खुशबू अच्छी सी आ रही है क्योंकि इसमें तमाम वेजिटेबल्स गई हैं और इसके साथ साथ जी अब तो इसमें ये भी जा चुका है। नहीं डाला, नहीं डाला अभी। 1 टीस्पून सॉल्ट ज़्यादा नहीं डालूंगी इसलिए कि पालक भी हल्की सी नमकीन होती है। अच्छा तो बैलेंस रखना है, संभल के डालना है। ठीक है अब आप इसको कवर कर दीजिए और इसको पकाएं कम से कम 15 से 20 मिनट। तो हम ब्रेक ले लें? बिल्कुल ले लीजिए। फिर हम इसका लगाएंगे तड़का, इंग्रेडिएंट्स फॉर टेम्पर जिसमें हम वनस्पति लेंगे और साबुत जीरा डालेंगे, कुटा हुआ लहसुन, साबुत लाल मिर्च और कड़ी पत्ता। ओके और वो तैयार होगा वनस्पति में जिसका मेन इंग्रेडिएंट है मलेशियन पाम ऑयल। इसमें भी जा चुका है अभी वनस्पति, थोड़ा सा आपा ने डाला है लेकिन इसकी खुशबू बहुत अच्छी आ रही है क्योंकि ये एक न्यूट्रल ऑयल है मलेशियन पाम ऑयल। इसकी अपनी खुशबू टेस्ट फ्लेवर नहीं होता लेकिन जब जब इससे खाने तैयार होते हैं तब तब आपको फील होगा क्या टेस्ट अरोमा जायका बढ़ जाता है, इन्हांस करता है ये आपके खानों के टेस्ट फ्लेवर और अरोमा को। अभी जा रहे हैं हम ब्रेक पे, अभी तो दाल में भी काफ़ी काम बाकी है जो कि हरियाली दाल है। फिर हमारी सेकंड रेसिपी नाम शो कि वो भी होगी बहुत ही खास, डिटेल में शेयर करेंगे, इसलिए देखते रहिए हमारा शो मलेशियन पाम ऑयल जायकों का दस्तखान। हम जा रहे हैं ब्रेक पे, अभी जल्दी से आपको ज्वाइन करते हैं। जी वेलकम बैक, आप देख रहे हैं मलेशियन पाम ऑयल जायकों का दस्तखान। यहाँ पर हरियाली दाल बन रही है, इसके बारे में बताएंगे, अपनी नेक्स्ट रेसिपी के बारे में बताएंगे, पर आप लोगों को अभी बताते चले मलेशियन पाम ऑयल काउंसिल ने एक खूबसूरत सी कैंपेन स्टार्ट की है जिसका नाम है सावेज डिवाइन ब्लेसिंग, जिसका लोगो आप हमारे बैक पे देख सकते हैं, बहुत ही खूबसूरत सा लोगो है। बताते चले सावेज जो कि एक मलेशियन जबान का वर्ड है जिसका मतलब है पाम, डिवाइन ब्लेसिंग अल्लाह ताला की नेमतों का शुक्र अदा कर रहे हैं और क्यों ना करें क्योंकि मलेशियन पाम ऑयल इंडस्ट्री से 450,000 किसानों का रोज़गार वाबस्ता है और ये मलेशिया की पाम ऑयल एक बड़ी एक्सपोर्ट में से भी एक है। तो ये एक बहुत ही शानदार सी बात हमने कहा आप लोगों को साथ साथ बताएं, जो हर शो पर हम लोगों ने आप लोगों के साथ जिक्र किया है, डिस्कस किया है ताकि आप लोगों को भी ये तमाम चीज़ें मालूम हों। अच्छा जी अब आएंगे हम नेक्स्ट रेसिपी पर, हरियाली दाल को कुछ करना है? ठीक है नहीं, हरियाली दाल बस पक रही है, उसमें सिर्फ मुझे आखिर में तड़का लगाना है। ओके ठीक है, अब मैं फलाफल के लिए ऑयल ले रही हूँ, उसको हम डालेंगे और गरम करेंगे। ऑयल कौन सा है जिसका मेन इंग्रेडिएंट है मलेशियन पाम जी। डीप फ्राई करने है ना? ठीक है जी। अच्छा अब हमें चाहिए छोले, सफ़ेद चने, उसको पूरी रात भिगोया है। ठीक है भिगो लिया अच्छी तरह से, पानी निकाल दें इसमें से। सिर्फ भीगे हुए, भीगे हुए हल्का सा मैंने बॉईल कर लिया, आप मत करिएगा। अच्छा बहुत हल्के से हैं, ना होने के बराबर ही। अच्छा इसमें मैं डालूंगी लहसुन के जवे, 3 डाल दीजिए, और हम इसमें डालेंगे पार्सले, आधी गड्डी पार्सले डाल दीजिए। ओके फिर मेरे पास यहाँ नमक है 1 टीस्पून, ब्लैक पेपर 1/2 टीस्पून, 1 चीज़ लिखी नहीं है वो प्लीज़ ऐड कर लीजिए, क्रश्ड रेड पेपर।
ये भी जाएगा। ये आपकी मर्जी है, हाफ टी स्पून डाल दें, वन डाल दें, अप टू यू। ठीक है, क्या वन से भी ज्यादा? और इसमें जाएगा सोडा, मीठा सोडा जो आप पकौड़ों में डालते हैं वो जाएगा हाफ। हाँ, हाफ टी स्पून। ठीक है, अच्छा मैं ज़रा सी हरी मिर्चें मेरे पास पड़ी हुई हैं, उसमें जो डाली थी तो मैं इसमें डाल देती हूँ, बेकार फेंकेगी, ज़रा सा अच्छा सा तेज तेज फ्लेवर आ जाएगा। बस इसको आप सबको साथ पीस लो। पानी मानी नहीं डालना है, ड्राई पीसना है। अच्छे से चॉपराइज कर रहे हैं, यहाँ ऑयल गर्म हो रहा है, वो ऑयल जिसका मेन इंग्रेडिएंट है मलेशियन पाम ऑयल, हर तरह की फ्राइंग के लिए बेस्ट है, क्योंकि ये हाई टेम्परेचर पे भी अपनी खूबियाँ स्टेबल रखता है और इसका स्मोक पॉइंट है 235 डिग्री सेंटीग्रेड, इसीलिए बड़ी बड़ी इंडस्ट्री में फ्राइंग के लिए मलेशियन पाम ऑयल का ही इंतखाब किया जाता है। और यहाँ हो गया ये अच्छे से? नहीं, टाइम लगता है। ओके, थोड़ा सा थोड़ा और करेंगे जब तक अच्छे से ना हो जाए। ज़रा सा 1 टेबल स्पून डाल देंगे पानी ताकि स्मूथ सा एक पेस्ट फॉर्म में आ जाए। और भाई जब तक ये अच्छे से हो रहा है, जैसे मैं साथ साथ आप लोगों को बता रही होती हूँ, कन्फेक्शनरी, स्नैक फूड, फास्ट फूड, बेकिंग, आइसक्रीम, सब में कहीं ना कहीं मलेशियन पाम ऑयल का ही इस्तेमाल हो रहा होता है। इसीलिए दिन भर में आप कुछ भी खा रहे हैं तो जी आपकी खानों का हिस्सा है मलेशियन पाम ऑयल। दाल का क्या सीन है आप अभी? बस अभी हो रही है, बहुत अच्छी सी हो रही है, मज़ेदार सी लग रही है खूब। ऑयल का चूल्हा हमने स्लो कर दिया है, जैसे ही ये रेडी होंगे फिर हम फ्राइंग की तरफ आएंगे। परफेक्ट है, लेकिन और पीसना है। ओके, बिल्कुल स्मूथ, बिल्कुल बारीक होना चाहिए, बिल्कुल। अगेन ऑन, और इसे चॉपराइज करें। बस फिर दाल का भगार है एक तरफ और दूसरी तरफ, और इनको फ्राई करना है। कितनी देर लगेगी आपस को? बस अच्छा है, जल्दी जल्दी करके ऑन करते हैं इसको। अच्छा तो फिर एक काम करें, ब्रेक लेना आप, अच्छे जो करना है ताकि हम भी चाहेंगे बेस्ट रेसिपी हमारी यहाँ पर रेडी हो, ताकि आप लोग देखें और इन्जॉय करें। जायकों का दस्तरखान है वो भी मलेशियन पाम ऑयल, जायकों का दस्तरखान, तो जायकेदार मज़ेदार रेसिपीज यहाँ पर तैयार हो रही हैं, तो डिटेल में और अच्छे से बताएंगे इस रेसिपी और दाल के बारे में भी, ऑफकोर्स। तो इसलिए देखते रहिए हमारा शो मलेशियन पाम ऑयल, जायकों का दस्तरखान, तो हम जाएंगे। शो मलेशियन पाम ऑयल, जायकों का दस्तरखान, जायकेदार मज़ेदार खुशबुएं बिखेरी हुई हैं चिल नापा ने, यहाँ पर रेडी हो रहे हैं ये सारे फलाफल। अच्छा जी आपा क्या बताएंगी आप? ठीक है, अच्छा देखें, अगर आपकी ये टूटने लगे ना, बिखरने लगे, तो आप इसमें आधा अंडा या एक अंडा फेंट के डाल। ओके, ये तो बहुत सारी तैयार हो गई, और इन्जॉय करें। देखें सिंपल, थोड़ी सी मोटी रखनी होती है, थोड़ी सी मोटी, इस तरह से, एंड देन डीप फ्राई करें उस कुकिंग ऑयल में जिसका मेन इंग्रेडिएंट हो मलेशियन पाम ऑयल। यहाँ पर हरियाली दाल का क्या सीन है आपा? बस दाल हो गई है, उसको मुझे लास्ट में बघार देना है, दैट्स इट। बड़ी अच्छी सी तैयार हो रही है। ओके, ये सारी रेडी। अच्छा वैसे थोड़े से उसमें काफ़ी सारे बन गए। हाँ, एक पाव में कितने सारे बन गए, भरपूर बरकत वाली है रेसिपी। डन, तो ये सारे अब तैयार हो गए हैं, अब आ जाएंगे हम भगार की तरफ, जो कि दाल को जाएगा शानदार सा, वो भी बनस्पति से। ऑफकोर्स बनस्पति से मज़ेदार होता है, जायकेदार होता है, क्योंकि इसमें मेन इंग्रेडिएंट मलेशियन पाम ऑयल है। अरोमा बहुत अच्छा आ रहा है, नाम से जब भगार बनेगा तब और ज़्यादा अच्छा आएगा। रीज़न क्योंकि जी न्यूट्रल ऑयल है मलेशियन पाम ऑयल, जो कि हमारे हर
कुकिंग ऑयल एंड वनस्पति का मेन इंग्रेडिएंट है, लेकिन अपना कोई टेस्ट जायका नहीं होता, जैसे मैं बार बार बता रही हूँ। लेकिन क्योंकि यहाँ पर खाने बन रहे होते हैं, मैं इंजॉय कर रही होती हूँ, ऐसी ऐसी ज़बरदस्त खुशबुएँ आ रही होती हैं, क्योंकि ये खाने की लज्जत, जायका, खुशबू, अरोमा को बढ़ा देता है, इन्हांस कर देता है। अरे हेल्दी है ना, ऑफकोर्स, ये सबसे इम्पोर्टेंट बात कि हेल्दी है। आजकल के दौर में तो भाई आपको हर चीज़ हेल्दी चाहिए। अच्छा, आप भगार करेंगे और जी, फिर हम बस मैं कर रही हूँ। चले जी, देखिएगा। अच्छा, अब मैं बनस्पति लूंगी भगार के लिए। ओके, लेट्स सी भगार के क्या क्या हैं। कुछ भी नहीं है, कुटा हुआ लहसुन, करी पत्ता, साबुत लाल मिर्चे और जीरा साबुत, बस। ठीक है, ओके, इसे तैयार करेंगे। वनस्पति, वनस्पति लेंगे जिसका मेन इंग्रेडिएंट मलेशियन पाम ऑयल है। 3 टेबलस्पून आपने वनस्पति ले लिया। ठीक है, जैसे ही ये गर्म होगा हम इसमें डाल देंगे कुटा हुआ लहसुन, ये रखा हुआ है, लाल मिर्चें जाएंगी साबुत, करी पत्ता जाएगा और बेटा साबुत जीरा, ये रहा। हाँ, ओके, बस इसका भगार लगाएंगे, लेकिन दाल का चूल्हा भी बंद नहीं है। ठीक है, साबुत लाल मिर्च नहीं, दाल का चूल्हा चल रहा है जी। ओके, थोड़ा सा बस वनस्पति गर्म हो जाए, देन फिर हम ये कड़कड़ाता व भगार डालेंगे इस दाल पे। हरियाली दाल, चेक करें क्या शानदार ज़बरदस्ती तैयार हो रही है। बस अब मैं इसका चूल्हा बंद कर रही हूँ, बिल्कुल रेडी हो चुकी है दाल। आपा ने प्रूव कर दिया, दाल भी बहुत मज़ेदार बन सकती है। दाल की तो इतनी बेशुमार किस्में हैं, और जब इसमें पड़े वनस्पति जिसका मेन इन्ग्रीडियंट हो मलेशियन पाम ऑयल, उसका तड़का, तो क्या बात है। और टेस्ट फ्लेवर को बढ़ा दें आप, अपनी दाल बनाएं या सब्जी बनाएं, उन्हें भी शानदार बना सकते हैं। गार्लिक चॉप्ड जी, कुटा हुआ लहसुन, साबुत लाल मिर्च और साबुत जीरा, करी पत्ता, किसी खुशबू आ रही है, खूब ज़बरदस्ती मज़ेदार सही भगार हो रहा है यहाँ तैयार। बस लहसुन को हमें हल्का सा गोल्डन करना है, देखें हो रहा है बिल्कुल। दाल का चूल्हा अब आपने बंद कर दिया, वो तैयार है। जी जी, दाल तैयार है, ये भगार भी हो गया है, और गर्मा गर्म बस सर्व कर दीजिए। सब खुशी खुशी खा लेंगे, इंजॉय करेंगे शानदार सी ये दाल, जिसमें कड़कड़ाता हुआ चला गया है भगार। आ गई है ना, ठीक है, बहुत तो मज़ेदार। ये था हमारा आज का शो। तो फिर दो रेसिपीज दोनों का चेक करना होगा रीकैप, क्योंकि बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपीज़ आपने तैयार कर दी हैं। मैं तो फ़िलहाल खुशबुएँ इंजॉय कर रही हूँ, और अब ट्राई भी करूँगी, टेस्ट भी करूँगी और बताऊँगी, लेकिन आप लोग चेक कीजिए रीकैप। हरियाली दाल, अज्जा, चने की दाल 250 ग्राम, बारीक कटी पालक 1.5 कप, इसी हरी मिर्च 1 चाय का चमचा, नमक 1 चाय का चमचा, हरा धनिया 2 खाने के चमचे, मेथी 2 गड्डी, बारीक कटा सोया आधी गड्डी, वनस्पति पाम ऑयल से बना हुआ 2 खाने के चमचे, भगार के लिए वनस्पति पाम ऑयल से बना हुआ 3 खाने के चमचे, जीरा 1/2 चाय का चमचा, कुटा लहसुन 1 चाय का चमचा, साबुत लाल मिर्चें 4 से 5 अदद, कड़ी पत्ते हसबे ज़रूरत। तरकीब, पैन में चने की दाल को 4 कप पानी और हल्दी के साथ उबाल लें, फिर इसमें वनस्पति पाम ऑयल से बना हुआ पालक, मेथी, नमक और बारीक कटा सोया डालें और ढक कर पकाएं। आखिर में भगार शामिल करके उबले चावल के साथ सर्व करें। भगार देने के लिए वनस्पति पाम ऑयल से बना हुआ गरम करके जीरा, कुटा लहसुन, साबुत लाल मिर्चें और कड़ी पत्ते डालकर फ्राई करें और भगार तैयार कर लें। फिलाफिल, अज्जा, सफ़ेद चने 2 कप, लहसुन 3 जवे, चॉप्ड पार्सली आधी गड्डी, सोडा 1/2 चाय का चमचा, कुटी लाल मिर्च 1/2 चाय का चमचा, काली मिर्च 1/2 चाय का चमचा, नमक हसबे जायका, कुकिंग ऑयल पाम ऑयल से बना हुआ फ्राइंग के लिए। तरकीब, सफ़ेद चनों को रात भर भिगो दें, फिर ब्लेंडर में चने, 1/4 कप पानी, लहसुन के जवे, सोडा, पार्सली, कुटी लाल मिर्च, काली मिर्च
और नमक डालकर पीस लें। इसके बाद पिसे हुए मिक्सचर के बॉल्स बनाएं। अब कढ़ाई में कुकिंग ऑयल पाम ऑयल से बना हुआ गरम करके बॉल्स फ्राई करें। आखिर में फलाफल को टाहिनी सॉस के साथ सर्व करें। जी आप लोगों ने रिकैप देख लिया होगा जायकों के दस्तखान में यहाँ जायकेदार मजेदार सेहत से भरपूर रेसिपीज आपने तैयार की है। पहले मैं आपको फलाफल के बारे में बताती हूँ। ये इतना सॉफ्ट है अंदर से और ऊपर से खूब क्रिस्पी और बहुत मज़ेदार। आप ये एक रेसिपी बड़ी अच्छी है, मतलब ये तो एक से तो दिल नहीं भरेगा, बहुत सारी खा सकते हैं। और ये कुकिंग ऑयल में तैयार हुआ है, वो कुकिंग ऑयल जिसका मेन इंग्रेडिएंट है मलेशियन पाम ऑयल। तो आराम से खाएं, टेंशन नहीं, क्योंकि जी ये बहुत लाइट है, इजीली डाइजेस्ट हो जाता है और इसके साथ साथ आपको एनर्जी भी दे रहा है भरपूर। तो तबीयत भोजन नहीं होगी जितना दिल करेगा। और दाल ये तो ना पूछें, ये तो इतनी मज़े की दाल आपने तैयार की है, हरियाली दाल, वेरी टेस्टी। मैं तो वैसे ही स्पून से ट्राई किया, आप चाहे तो चपाती के साथ, नान के साथ या राइस के साथ खाएं और इंजॉय करें और तैयार करें भगार इसका डेफिनेटली उस वनस्पति में जिसका मेन इंग्रेडिएंट हो मलेशियन पाम ऑयल, तो उसी से बनाइए आप इसे शानदार और मज़ेदार। जायकों की बात हो गई है, अब ज़रा करते हैं और मज़ेदार बात, वो है जी गिफ्ट की बात। तो अभी आप लोगों को गिफ्ट भी मिल सकता है। आप देख रहे होंगे हमारी स्क्रीन पे MPOC के फेसबुक और इंस्टाग्राम जो स्क्रॉल हो रहा है वो देखिए, वहाँ पर जाके जी आप सवाल का जवाब दे सकते हैं। सवाल अब आपकी स्क्रीन पे स्क्रॉल हो रहा है। ये बहुत ही आसान सवाल है, हर दफ़ा का हमारा सवाल जो होता है वो बहुत इजी होता है ताकि आप लोगों को गिफ्ट जीतने का मौका ज़्यादा से ज़्यादा मिल सके। तो सवाल का जवाब दीजिए, अभी मोबाइल फ़ोन उठाएं, अभी लॉग इन कीजिए और आंसर दीजिए और जीतिए। नाम शो के आपने हमारा ये पूरी सारी जितनी एपिसोड्स थी वो सब बहुत इंजॉय की होंगी। आज हमारी लास्ट एपिसोड थी, बड़ा दिल दुख रहा था, मैंने कहा हर बार आपसे मुलाकात होती थी, मज़े मज़े की बातें आप लोगों को बताते थे। नाम शो के आप भी उसे इसी तरह फॉलो करेंगे, जायकेदार रेसिपीज़ बनाते रहेंगे, अपनी सेहत का ख्याल रखेंगे एंड ऑफकोर्स उसी कुकिंग ऑयल एंड वनस्पति में खाने तैयार करेंगे जिसका मेन इन्ग्रीडियंट होगा मलेशियन पाम ऑयल। और मलेशियन पाम ऑयल काउंसिल का बेहद शुक्रिया जिन्होंने हम दोनों को चूज किया टू डू दिस शो, आप तक पहुंचाने में, शो को आप तक पहुंचाने में, शो को आप तक पहुंचाने के लिए। फिर शिरीन आपा का खास थैंक यू, इन्होंने इतनी मजे मजे की रेसिपीज दी हैं हमें। और इसके साथ साथ जी मलेशियन पाम ऑयल चाहते हैं कि आप लोगों को ये सारी इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँचे जो जो हमने इन्फॉर्मेशन आप लोगों को दी है, ताकि आप लोग भरपूर तरीके से अपनी सेहत का ख्याल रखें और जी मज़े की रेसिपीज बनाते रहें। तो मैं और शिरीन आपा अब आपसे इजाजत लेते हैं। नाम शोर आपने खूब इंजॉय किया होगा हमारा शो मलेशियन पाम ऑयल जायकों का दस्तखान। दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज। Add some masala to your life.